हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विटॉक ब्लॉग्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ हरे मटर की कचौरी। सर्दियों के मौसम में हरा मटर जो है एकदम ताज़ा मिलता है। वैसे हम फ्रोज़न मटर का भी बनाते हैं, पर ताजे मटर का कुछ अलग ही टेस्ट होता है, तो इससे कचौरियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं और वो भी एकदम खस्ता हलवाई जैसी। तो इस कचौरी को बनाना शुरू करते हैं। ये कचौरी आप कभी भी खाने में या नाश्ते में या चाय के साथ बना के खा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं हर रोज़ नए रेसिपी के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, इंतज़ार नहीं करते हैं, इस हरे मटर की कचौरी को बनाना शुरू करते हैं। मटर की कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। ये गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे मैदा का ले लीजिए। ट्रेडिशनली बहुत लोग मैदे से ही बनाते हैं, पर मैं थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें नमक डालेंगे तो स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं आटे में। और फिर यहाँ पर मैंने अजवाइन लिया है, तो ये भी मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, हाथों पर ऐसे क्रश करके डालेंगे। और यहाँ पे 2 पिंच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, ये डाल रही हूँ। इससे कचौरी एकदम अच्छी और खस्ता बनती है। और उसके बाद अब यहाँ पे मोयम के लिए मैंने तेल लिया है, तो मैंने 1/4 कप मैंने यहाँ पे तेल लिया है, तो ये भी डालेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मोयम देखिए एकदम अच्छे से मैंने लगा लिया है, ये देखिए अच्छे से मुठिया बन रहा है। तो अब इसको हम इसका आटा लगाएंगे, तो पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक ही साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। और फिर इसका आटा लगाएंगे, सॉफ्ट आटा लगाना है, जितना हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसा ही। तो इस तरह से आटा मैंने लगा लिया है, इतना सॉफ्ट आटा लगना चाहिए इसका। तो अब इस आटे को हम ढक के और 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 कप मटर लिया है, ये हरा मटर है जो अभी ठंडियों में एकदम ताजे वाले मटर आते हैं वो है। अगर ये आपको नहीं मिले तो आप फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम एक ग्राइंडर में इसको दरदरा पीसेंगे, तब इसमें डालने देंगे सारा मटर। मैंने इसको धो लिया है अच्छे से, और अब इसमें डालूँगी मैं थोड़े से हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6-7 लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पे मैंने 4-5 मिर्ची ले ली है, उसको तोड़ लिया है बीच में से, लहसुन अदरक ये सारा डाल के। और इसको बारीक पेस्ट नहीं करना है, इसका दरदरा पेस्ट बनाना है। तो देखिए कुछ इस तरह का मैंने पीस लिया है, ये देखिए खड़े खड़े हैं, ज़्यादा बारीक नहीं है और हल्का सा दरदरा है। तो इसको एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। अब यहाँ गैस पर मैंने पैन रखा है, इसमें मैं तेल डालूँगी, तो 2 चम्मच इतना तेल डालूँगी। अब इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, मैंने इसको हल्का सा दरदरा कूट लिया है, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है, ये भी डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग, इसको भूनेंगे थोड़ा सा। इन सारी चीज़ों से कचौरी का फ्लेवर एकदम बढ़ जाता है मस्त एकदम। ये सारी चीज़ें भून गई हैं, तो अब इसमें मैं 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि मटर का जो पानी है वो ये सोख लेगा और बाइंडिंग में अच्छा मदद करेगा। तो इसको भून लेंगे अच्छे से, गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो कर दिया है, इसको भूनेंगे, थोड़ा सा भूनना है। बेसन भून गया है देखिए, तो अब इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, मिक्स कर लेंगे इसको भी। और अब इसमें मैं डालूंगी जो हमने मटर दरदरा पीस लिया है, ये इसको भी मसालों के साथ में भूनेंगे। अब इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे स्वादानुसार,
इसको भी मिक्स कर लेंगे। मटर अच्छे से भून गया है, तो अब यहाँ पे एक चम्मच में गरम मसाला डाल रही हूँ और आधा चम्मच में यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स कर लेंगे और एकदम मटर हमारा अच्छे से भून गया है और पानी भी इसका पूरा सोख लिया है, तो इसको मिक्स करके और गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए एकदम अच्छे से पूरा पैन को छोड़ दे रहा है, मतलब ये अच्छे से भून गया है। अब इसमें डालेंगे लास्ट में हम हरा धनिया। गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में खाली कर लेंगे। जो हमने मटर की फिलिंग बनाई थी वो प्लेट में निकाल के मैंने हल्का सा इसको ठंडा कर लिया है, तो अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अगर बड़ा कचौरी बनाना हो तो बड़ा बड़ा बनाइए या फिर छोटा छोटा। इस तरह से तो मटर का इतना छोटा छोटा मैंने ये इस तरह से गोली बना लिया है। तो अब चलिए इसको हम भरेंगे। तो आटा भी हमारा 15 मिनट जो है कर रेस्ट हो गया है अच्छे से, तो अब इसको इसमें भरेंगे। छोटे छोटे इसके पेड़े ले लेंगे और इसको ऊपर की तरफ से दबाते हुए कटोरी की तरह बना लेंगे इस तरह से। और फिर एक लेंगे और इसमें भरेंगे और चारों तरफ से इसको दबा के इसको पैक कर देंगे। ऊपर जितना एक्स्ट्रा निकलता है ये पार्ट निकाल दीजिए, फिर इसको घुमा के ऐसे रोल कर लीजिए और उसके बाद अपने हाथों पे ही रख के इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि ये चारों तरफ फैल जाए मसाले। आप इसको चकली पे बेल के भी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से बनाना है। अब एक प्लेट में रख देंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई पहले ही रख दिया था तेल गरम होने के लिए, तो तेल जो है हमारा मीडियम गरम हो गया है। तो अब इसमें मैं ये जो बनाए हैं हम कचौरियाँ ये सारे डालेंगे एक एक। तेल एकदम हल्का मीडियम गरम है, एक साथ जितना बैठे उतना ही डालिए। और इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, ये थोड़ी देर में अपने आप तेल के ऊपर उठने लगेगा, उसके बाद हम इसको पलटी मारेंगे। तो ये देखिए हल्के हल्के ये तेल के ऊपर आने लगे हैं, तो अभी भी इसको पलटेंगे नहीं, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे इस तरह से। कचौरियाँ एकदम खस्ता और क्रंची बनती हैं। तो ये देखिए ऊपर अब उठने लग गए हैं कचौरियाँ, देखिए अब अच्छे से फूलने लग गई है। तो अब इसको पलटी मारेंगे। गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो ही रखा है, अब इसी तरह से इसको गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है। कचौरियाँ एकदम दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। सारी कचौरियाँ मैंने बना ली है और देखिए कितने अच्छे से ये बनी है कचौरियाँ। तो अभी एक कचौरी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी उतना ही अच्छा बना है। ये देखिए पूरा अंदर तक मसाले एकदम अच्छे से फैले हुए हैं और लेयर भी अच्छी आई है। इस तरह से हरे मटर की कचौरियाँ ठंडियों के मौसम में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि मटर एकदम ताज़े ताज़े आते हैं। और इस तरह से अगर कचौरी आप बना के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।